हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम कोई स्वीट डिश बनाने वाले हैं। सिवई मैंने बनाऊंगी, आपको आज सिखाऊंगी सिवई बनाने का तरीका। मैंने ली है एक पाव सिवई, और भुनी हुई सिवई थी ये, तली हुई। इसे मैं थोड़ा सा और भून लूंगी दोस्तों। तो देखिए, मैंने एक पाव सिवई ले लिया था जो ऐसे तली हुई आती है, और उसको मैंने वनस्पति घी डाला था कढ़ाई में, और उसे मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। वैसे तो ये फ्राई रहती है, थोड़ा सा हम इसे और ही फ्राई कर लेंगे। देखिए, हमारी सेवइयाँ जो है बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गई हैं, और भून के हम इसे निकाल लेंगे दोस्तों किसी एक प्लेट में। और दोस्तों, अगर आप कुछ मीठा खाने का दिल करे तो आप ये सेवई बना लीजिए, बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। इसमें देखिए, मैंने डाल रही हूँ मैं 1.5 लीटर दूध। एक पाव सेवई के लिए 1.5 लीटर दूध मैं डाल रही हूँ दोस्तों। ये मेरा 0.5 लीटर था, अभी मैं 1 लीटर और इसमें ऐड करने वाली हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं इसमें डाल रही हूँ 1 लीटर और जो है दूध। और देखिए दोस्तों, मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं, इसके लिए मेरी आवाज़ सही से नहीं रिकॉर्ड हो रही होगी, तो उसके लिए मैं आपसे खेद चाहती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं इस दूध को एक उबाल आने तक पकाऊंगी, और इसमें हम खोया नहीं डालेंगे। मैं इसे दूध फाड़कर इसका इसी में खोया बनाऊंगी, और खोए डालने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कभी इत्तेफाक से आपको अचानक बनाना पड़ जाए और आपके यहाँ खोया मौजूद ना हो, तो आप इस तरह भी सिवई बना सकते हैं मेरे ट्रिक से। तो दूध में मैंने थोड़ी सी देखी फिटकरी डाली थी, और अब दूध को जो है मैं चला दूंगी। इससे दूध हमारा फट जाएगा और इसमें खोया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो है मलाई और खोया अपने आप इसमें बन जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारा खोया जो है बन गया है। धीरे धीरे हमारा दूध अच्छे से फट जाएगा, और इसमें जो है अच्छे से खोया जो है बन जाएगा दूध में। तो देखिए दोस्तों, हम इसे ऐसे ही थोड़ा देर चलाएँगे, 2-3 मिनट के लिए, ज़्यादा हमें नहीं चलाना है। दूध फट जाएगा आसानी से हमारा। हमें थोड़ा सा फिटकरी यूज़ करना है। फिटकरी से इसमें टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टेस्ट भी आपका वैसे ही आएगा जैसे होना चाहिए, और इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। देखिए, हमारा जो है दूध अच्छे से उबल गया था और फट भी गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 0.5 किलो चीनी, क्योंकि हमारी सिवई पाव एक पाव थी, तो अब हम उसमें उसका डबल चीनी डालेंगे, क्योंकि हम यहाँ इमामी सिवई बना रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैंने थोड़ा पहले डाली थी, और मैं थोड़ा अब डाल रही हूँ चीनी को। तो अब हम इसे अच्छे से मिला देंगे, और हम इसकी चाशनी की तरह इसको पकाएंगे। ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है, 10 मिनट हमें इसे ऐसे ही पकाना है। और देखिए, मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी हो इस समय अवेलेबल, आप उससे बना सकती हैं। मैंने यहाँ थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम और किशमिश, और ड्राई कोकोनट यानी सूखा हुआ नारियल मैंने कद्दूकस कर लिया था, और उसको भी मैं डाल रही हूँ। तो मैंने दूध में इसे भी मिला दिया है, और देखिए 10 मिनट हो गए हैं, और हमारा जो है दूध पक गया है अच्छे से। उसमें जो है उबाल आ गया था, और वो थोड़ा कम भी हो गया, आप निशान देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा कम हो गया है, उसका पानी सूख गया है दूध का, और उसमें बस जो है खोया बचा हुआ है। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे सिवइयाँ जो हमने भून कर रख ली थी, और इसको हमें अच्छे से दूध में मिलाना है। दूध देखिए हमारा कितना अच्छा ज़बरदस्त सा फट गया था, और इसमें खोया डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आप ऐसे ही अचानक से मेहमान आ जाए या खाने को दिल करे तो आप ऐसे बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सेवई मेरी बनकर तैयार हो रही है। सिर्फ 1 मिनट के लिए और हम इसे पकाएंगे हाई फ्लेम पर, और फिर थोड़े देर के लिए, कुछ सेकेंड्स के लिए, हम इसे ढक कर दम देंगे 20-30 सेकंड्स के लिए। तो देखिए दोस्तों, अब मैं इसे ढक दूंगी, और मिलते हैं 20-30 सेकंड में। देखिए दोस्तों, हमारी सिवइयाँ बनके बहुत ही अच्छे से रेडी हो गई हैं, और खाने में भी ये बहुत ही अच्छी लगती हैं दोस्तों, बहुत ही झटपट तैयार होती है। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करिए मेरी तरह से, इस ट्रिक से खोया बिना डाले आप सिवई बनाइए और खिलाइए। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को। बाय बाय।